हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है तो उससे आपको पता चल गया होगा कि मैंने अपना 1K कंप्लीट कर लिया है, और वो 1K आप सबके सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत 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 थैंक यू मेरा 1K कंप्लीट कराने के लिए। और जो ये सपोर्ट है आगे भी बनाए रखना। और थंबनेल में मैंने कुछ और भी बताया है, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। बट सबसे पहले तो मैं बहुत हैप्पी हूँ वो अपने 1K को लेकर, क्योंकि मुझे कम्युनिटी टैब भी मिल गया फाइनली। सो फ्रेंड्स, ये जो 1K का जर्नी है मेरा, तो इजी भी नहीं बोलेंगे, टफ भी नहीं बोलेंगे, मिला जुला रहा है। काफी अच्छा हुआ मेरे साथ, और कभी कभी थोड़ा सा दुखी भी होते थे, दोनों चीज मिक्स कर बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। और साथ में इस बार लक्ष्मी माता की कृपा बनी रही मुझ पर, और माता ने मेरे साथ में 1K होने के साथ साथ मेरे दो दो वीडियो भी वायरल हुए। ये जो दो वीडियो वायरल हुए वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरा वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। मैं सोचती रहती थी कि कब होगा वीडियो वायरल, कैसा एक्सपीरियंस होता है वीडियो वायरल होने पर। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप 5-5 मिनट्स में आप चेक करते हो आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। YT में जाकर चेक करते हैं, अरे यार इतना व्यू हो गया, अरे 1 घंटे में 100 व्यूज हो गए। और कोई वीडियो हम अभी डालते, जब स्टार्टिंग फेज में जो हम यूट्यूबर्स है जो हम डालते हैं स्टार्टिंग फेज में कोई वीडियो, तो क्या होता है, सुबह डाले रात तक में 100 व्यूज 150 व्यूज ऐसे आते हैं। और वो आप सोचो, जब वीडियो वायरल होने के बाद जो व्यू मिलते हैं हमें, वो देखते देखते हाय YT में, अरे यार 100, अरे 200, 300, 400 ऐसे व्यू। तो मेरी दो वीडियो वायरल हुए हैं। फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ था, होई अष्टमी का वायरल हुआ, वो 2K था। और सेकंड वीडियो जो वायरल हुआ है, यम का दिया जो वायरल वीडियो हुआ, वो 10K के ऊपर गया है। तो काफी अच्छा लगा मुझे। तो ये वायरल जो वीडियो हुआ वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धनतेरस वाले दिन मुझे इतना अच्छा, मतलब काफी हैप्पी थी धनतेरस वाले दिन। मुझे यूट्यूब से मैसेज भी आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 1K कंप्लीट हो गया है। अब मुझे कम्युनिटी टैब का वेट होने लगा, मैं कम्युनिटी टैब के लिए वेट करने लगी। फिर फाइनली कम्युनिटी टैब मुझे परसों, मतलब 2 दिन पहले मिला। पर जब कम्युनिटी टैब मिला तो मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि कम्युनिटी टैब मिलने से लोग हैप्पी होते हैं, बट मैं हैप्पी नहीं थी। क्योंकि कम्युनिटी टैब में मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन कॉपीराइट स्ट्राइक मिला हुआ था, उसमें लिखा था 3 मंथ्स रिव्यू के लिए रहेगा। तो मैं जब देखी तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई, ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। फिर मैंने अंदर जाकर देखा क्या है इसका, उसके बारे में डिटेल देखा, तो मेरे 10 वीडियोस, यस 10 वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था। तो मैं तो मतलब कॉपीराइट, क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर होते हैं जो उन्हें कॉपीराइट का उतना आइडिया नहीं होता है, सेम मेरे साथ भी वही था। स्टार्टिंग के वीडियो थे जो कॉपीराइट क्लेम आए हुए थे, तो उसमें क्या था कि क्लेम आया, मैं जाके देखी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे कॉपीराइट्स के वीडियो सर्च करना स्टार्ट किया मैंने, और कॉपीराइट्स के वीडियो सर्च कर कर उसको कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम को, तो वो भी किया मैंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने जो वीडियो थे मैंने चेक किया कि कॉपीराइट किस बेस पे आया है, मुझे क्लेम आया है। तो मैंने देखा कि मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियो जो 10 वीडियो थे, सब में म्यूजिक ऑडियो का कॉपीराइट क्लेम था। क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा जो म्यूजिक है आप यूज कर सकते हो, कौन सा नहीं यूज कर सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे 10 वीडियोस थे जिसमें मैंने म्यूजिक यूज किया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, तो मैंने उन म्यूजिक को यूज किया था। तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट 5 वीडियो में तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप ऑडियो को रिमूव कर दो, तो मैंने उस ऑडियो को रिमूव कर दिया था 5 वीडियो पर। नेक्स्ट जो 5 वीडियो थे वो रिमूव करना अलाउ नहीं कर रहे थे, उन्होंने रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया था। तो मैंने वो लास्ट 5 वीडियो जो थे उनको दूसरे म्यूजिक से रिप्लेस करना पड़ा मुझे।
तो इस तरीके से ये 10 वीडियो के ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था मैंने उसे हटाया और फाइनली कल जाकर वो क्लेम सारे हट गए और साफ सुथरा चैनल मेरा हो गया। हर कोई चाहता है कि अपना चैनल साफ सुथरा हो, तो मैं भी वही चाहती थी। मैंने बोला करके मुझे वीडियो का ऐसा कुछ नहीं है, मैं अगर डिलीट करना पड़े तो डिलीट भी कर दूं, बट चलिए डिलीट तो नहीं करना पड़ा, बस ऑडियो में रिमूव कर और ऑडियो में चेंजेस कर मेरा चैनल जो था साफ सुथरा हो गया, क्लीन चैनल तो वो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ये गलती दोबारा नहीं होगी। काफी चीज सीखने को मिलता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो ना, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। वही चीज है, ये समझ लीजिए मैं लर्न कर रही हूं, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी मुझसे, तो वही चीज है। और बस इतनी सी एक्सपीरियंस थी जो मैं 1K के बीच के जो मेरा सारा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया और काफी अच्छा लग रहा है कि 1K कंप्लीट हुआ। अब आगे है, नेक्स्ट स्टेप है मोनो होना, चैनल को मोनो करवाना और वॉच टाइम WT जो है वो कंप्लीट करना, तो अब उसके लिए लगे हुए हैं, जल्दी ही वो भी कंप्लीट होगा। आप सब ऐसी सपोर्ट करते रहना तो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी ही मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अब मैं इसे यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।